हेलो बच्चों लेट्स रीड द क्वेश्चन द क्वेश्चन सेज व्हाट इज निम्फ निम्फ क्या है हमें ये बताना है तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट पर हम आते हैं द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज निम्फ क्या है कहाँ प्रेजेंट होता है निम्फ इज सेक्सुअली इमेच्योर फॉर्म यूजअली सिमिलर टू द एडल्ट क्या है एक सेक्सुअली इमेच्योर पूरी तरह से मैच्योर नहीं है फॉर्म यूजअली सिमिलर टू द एडल्ट और लगता कैसे है एडल्ट की तरह लगता है लेकिन पूरी तरह से विकसित नहीं है मैच्योर नहीं है सिमिलर टू द एडल्ट एक स्टेज है ये और दिखने में पूरा एडल्ट की तरह होगी स्टेज एंड फाउंड इन सच इंसेक्ट्स और कहाँ फाउंड होता है कहाँ मिलती है ये स्टेज हमें देखने को एंड फाउंड इन सच इंसेक्ट कुछ कुछ इंसेक्ट्स में ये स्टेज हमें देखने को मिलती है एग्जाम्पल है जैसे कौन कौन से इंसेक्ट में हमें निम्फ की स्टेज देखने को मिलती है कॉकरोच कॉकरोचेस, कॉकरोच में हमें निम्फ की स्टेज देखने को मिलेगी एडल्ट की तरह दिखेगा लेकिन इमेच्योर होगा सेक्सुअली इमेच्योर होगा ग्रेसोपर्स ग्रासोपर्स -so ये दोनों क्या है इंसेक्ट हैं जिनमें निम्फ की स्टेज देखने के लिए मिलती है विच हैज़ इनकम्प्लीट और हेमी मेटाबॉलिक मेटामोफोसिस किस प्रकार का क्या होता है इनकम्प्लीट होता है इनकम्प्लीट जो पूरी तरह से पूरा नहीं होगा इनकम्प्लीट हेमी मेटाबॉलिक या हेमी मेटाबॉलिक भी हम उसको कह सकते हैं इनकम्प्लीट मेटामोर्फोसिस को हेमी मेटाबॉलिक इनमें जो मॉर्फोसिस की स्टेज होगी मेटामोरफोसिस की वो क्या होगी इनकम्प्लीट होगी मेटामोरफोसिस इनकम्प्लीट होगा जिसके कारण से ही ये सेक्सुअली क्या होते हैं इमेच्योर होते हैं लेकिन दिखने में सेम एडल्ट की तरह ही होते हैं तो हमने देखा निम्फ एक स्टेज है जो कुछ इंसेक्ट्स में पाई जाती है जैसे कॉकरोचेस एंड ग्रासोफोरस होप यू विल अंडर्स इट वेल बेस्ट ऑफ लक थैंक यू